विश्वास। जी हाँ, आस्था और विश्वास का जहाँ मेल होता है वहाँ इंसान अपने सभी दुख दर्द और तकलीफों से छुटकारा पाता है। ऐसा ही एक आस्था और विश्वास का केंद्र है गढ़पहरा धाम। जी हाँ, गढ़पहरा धाम जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ माह के पहले से तीसरे मंगलवार तक जो भी श्रद्धालुगण भक्तगण यहाँ पर आकर यहाँ स्थित हनुमान जी के मंदिर पर जो भी मनोकामना मांगते हैं वह पूर्ण होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की भक्तगणों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी है, तो चलिए आप और हम भी मिलकर चलते हैं गढ़पहरा धाम के दर्शन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गढ़पहरा धाम में खड़ी हूँ और हमारे समक्ष वरिष्ठ गीतकार और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री विट्ठल भाई जी उपस्थित हैं और मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये कुछ गढ़पहरा के बारे में बताएं। जैसा कि सर आप यहाँ पर गढ़पहरा में बचपन से आते रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे गढ़पहरा धाम के बारे में कुछ हमको बताएं। सागर वासियों के लिए गढ़पहरा एकमात्र आस्था का केंद्र था और हजारों लोग पैदल ही गढ़पहरा आया करते थे। मैं भी अनेक बार पैदल आया हूँ, साइकिल से आया हूँ, मोटरसाइकिल से आया हूँ और मेरे पिताजी भी गढ़पहरा आया करते थे। मेरे बड़े भाई अक्सर गढ़पहरा आया करते थे। एक बार मेरे पिताजी और माथुरभाई पटेल शीश महल में थे, नीचे चीता आ गया। मेरे पिताजी को जोर जोर से राधे श्याम कहने की आदत। चीते को देखकर मेरे पिताजी ने जोर से चिल्लाए राधे राधे और ईश्वर की दया से कुछ क्षणों बाद वह चीता चला गया। गढ़पहरा बहुत पुण्याय की जगह है, बहुत पवित्र जगह है। गढ़पहरा में आकर के बहुत पुराने दिन याद आते हैं। हम लोग गढ़पहरा पर एक लोक संगीत का अपेरा बना रहे थे कि हमने देखा कि हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचा तो रानी महल में दो छायाचित्र आ गए, एक राजा का एक रानी का। लोग कहते हैं कि नटनी का और राजा का चित्र था और शायद पहली घटना थी जब किसी की हम फिल्म बनाने आए और उनके चित्र उस फोटोग्राफ में आ जाएं। वो आज तक थे और विट्ठल भाई भी मौजूद थे, उन्होंने देखा था कि हम लोगों ने उसके बाद पूरा का पूरा चित्र दिखाने के बाद यहाँ पर एक लोक संगीत का यहीं पर लाकर गढ़पहरा के शीश महल के पास दिखाई थी। ये पुराना स्मरण मुझे हमेशा याद रहेगा, गढ़पहरा की लोक संगीत का बेला और तमाल नटनी कहानी।